हेलो गाइस, वेलकम टू लक्ष्मीज फूड वर्ल्ड। इस होली पर मैं आपको सब्जियों के पापड़ बनाना बता रही हूँ। तो आज मैं जो पापड़ बनाने जा रही हूँ वो है पालक के पापड़, हेल्दी भी और टेस्टी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाना भी बहुत आसान है और इसे आप साल भर स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने दो पालक की गड्डियाँ ली थी, उनको अच्छे से धुलकर साफ़ करके बॉयल कर लिया है और ठंडा होने पर इसका हम एक पेस्ट बना लेंगे। कलर बिल्कुल भी नहीं डालेंगे क्योंकि इसका नेचुरल कलर ही इतना सुंदर है। पेस्ट बन गया है। अब चलिए पालक के पेस्ट को हम कुकर में डालेंगे, नहीं तो आपके पास जो भी गहरा बर्तन हो मोटे तले का उसमें डालिएगा। फिर इसमें हम पानी ऐड करेंगे। दो कप मैंने आरा रोट लिया है। अब आरा रोट को अच्छे से मिक्स कर देंगे जिससे कि कहीं पर कोई भी गुलथियाँ ना रह जाए। एक बार आप अच्छे से मथानी से मैश कर दीजिएगा कि गुलथियाँ ना रहें। आप लोगों ने आलू चावल के पापड़ तो बहुत खाए होंगे, लेकिन सब्जियों के पापड़ सच में आप लोगों ने खाए हैं या नहीं कमेंट्स करके बताइएगा ज़रूर। तो इसलिए अगर नहीं खाए हैं तो मेरी रेसिपी देखिए, बनाइए, खाइए, फिर मुझे बताइए कि आपको कैसे लगे। अब फिर से पानी हम ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं कि अभी पेस्ट काफ़ी पतला है। अब इसमें हम चाट मसाला ऐड करेंगे। ये चाट मसाला पाउडर मैंने घर पर बनाया है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। और थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे क्योंकि चाट मसाला में खुद ही नमक होता है। अगर आप कम नमक खाते हैं तो चाट मसाला ही डालिएगा, नमक बिल्कुल भी ना डालिएगा, और नहीं तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा। अब चलिए इसे लगातार चलाते हुए हम एक थिक सा पेस्ट बनाएंगे। आपको इसे चलाते ज़रूर रहना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो नीचे चिपक जाएगा। मैंने इसके पहले भी अपने चैनल पर मटर के पापड़, प्याज के पापड़, लौकी के पापड़ सब दे रखे हैं। अब इसमें एक चम्मच से दो चम्मच तक कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे, बस एक ही चम्मच बहुत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मैंने यहाँ पर थोड़ा सा नींबू सत भी ऐड किया था, बहुत थोड़ा सा, यानी थोड़ा सा चुटकी भर लेके। वो क्लिप मिस हो गई है तो मैं आपको बताए दे रही हूँ। वैसे तो इसमें अमचूर पड़ा ही है चाट मसाला में, इसका टेस्ट अपना ही अच्छा है। अगर आप ना डालना चाहें नींबू सत तो आप ना भी डालें, स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर डाल देंगे तो थोड़ा सा खट्टा सा स्वाद आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने इसमें डाला है लेकिन क्लिप मिस हो गई है। आप देख सकते हैं कि बस इसी प्रकार का हमें थिक पेस्ट चाहिए और कहीं भी कोई लम्स नहीं है, और कलर तो कितना बढ़िया आया ये तो आप खुद ही देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग आलू चावल से निकल कर थोड़ा सा इन सब्जियों के पापड़ बनाइए, खाइए और लोगों के साथ शेयर करिए। आई होप उन्हें भी पसंद आएंगे। बॉयल अच्छे से कर लीजिएगा कि अच्छे से उबाल आने लगे, बिल्कुल इस प्रकार से। और मैं इसी प्रकार से आपको बता रही हूँ कि आप अकेले रहकर भी बना सकते हैं। पेस्ट आप देख ही रहे हैं, इसमें आयरन बहुत होता है ये तो आप सबको पता ही है। अब चलिए हम देर ना करते हुए फटाफट इसे पॉलीथीन पर डाल देंगे। और आजकल धूप तो इतनी तेज़ हो रही है कि एक दिन में ही सूख जाते हैं, लेकिन आप 2 दिन की धूप लगा दीजिएगा। और इसी प्रकार से आप अकेले भी पापड़ बना सकती हैं। उधर आप देख सकते हैं जो एक पॉलीथीन पे पड़े हैं वो मैंने पत्ता गोभी के पापड़ बनाए थे। तो इस समय होली आ रही है तो होली पर मैं आपको सब्जियों के पापड़ की रेसिपी दे रही हूँ। और ये लीजिए फ्रेंड्स, पत्ता गोभी के पापड़ बनकर तैयार हो गए हैं। कितने क्रंची बने हैं आप खुद ही देख सकते हैं, और कलर भी कितना बढ़िया आया है। अभी तलेंगे तो इसका ग्रीनरी कलर निखर कर आएगा। पापड़ अच्छे से सूख चुके हैं तो चलिए अब तलते हैं। यहाँ पर मैंने ऑयल गर्म करने को रख दिया था। अब पहले एक पापड़ डालकर हम चेक करेंगे कि तेल अच्छे से गर्म है या नहीं।
तो आप देख सकते हैं कि तेल अच्छे से गर्म हो गया है और कलर आप देख रहे हैं कितना बढ़िया आ रहा है पापड़ का, और फूल कर भी ये बड़े हो जा रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो फटाफट आप पापड़ इसमें तलिए और निकालिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी सब्जियों के पापड़ की रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं आपको एक से बढ़कर एक रेसिपी दूँ जो कि आप लोगों ने भी सोचा नहीं होगा कि इससे भी ये बन सकता है। इस पापड़ को खाना तो दूर किसी ने बनाया भी नहीं होगा। तो चीज़ें सब फ्रेंड्स वही रहती हैं, लेकिन बस थोड़ा सा उलट पलट के चेंज कर दीजिए तो स्वाद बढ़ जाता है। मैं आपको तोड़ कर भी दिखा रही हूँ कि कितने क्रिस्पी पापड़ बने हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।